mixed feelings because like, you know, this is not the first show of this film. I've seen this film for the first time in Venice. So at that time, you know, I was really excited because it was for the first time. I was also watching it for the first time. And Italian audience loved it. And as you all know, it won Fediora Award for Best Debut Director in Venice. But now I'm curious how my audience, Indian audience, likes this. Because of course its story, the characters are, they belong to India, they belong to Mumbai. So I'm really curious how Mumbai likes it and how the India likes it. So I'm really curious because 2nd September is right here and today it's the first show where my audience will see it. Well, ये basically एक मुझे जब स्क्रिप्ट सुनाई गई तो एक डायरेक्टर की सोच थी कि एक फिल्म बनाई जाए बॉम्बे के ऊपर, आइलैंड सिटी के ऊपर, जहाँ पर तीन बहुत ही अद्भुत कहानियाँ हैं जिनका बहुत ही खूबसूरत मिलाप हुआ है. टू मेक दिस वन वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी. काफ़ी डार्क कहानियाँ हैं, शहरों की कहानियाँ हैं, तो उसमें से जो तीनों में से जो बीच वाली कहानी है वो मेरी है. जब मुझे रोल सुनाया गया तो मुझे बेहद हंसी आई और कहीं ना कहीं दुख भी हुआ क्योंकि शहर में जो ज़िंदगी लोग जीते हैं वो बहुत मुश्किल होती है और उसमें कई सारी कठिनाइयाँ होती हैं. तो उसका एक लाइटर साइड, एक ह्यूमरस साइड दिखाया है रुचिका ने थ्रू द स्टोरी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ. और नई फिल्म मेकर, पूरा जोश था उनमें कि एक अच्छी फिल्म बनाएंगे, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाएंगे. NFDC ने काफ़ी अच्छी बैकिंग किया उन्हें. तो आई रियली इन्जॉयड माई पार्ट और बड़ा अच्छा लग रहा है कि फिल्म जो है वो सारे यू नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जाके वहाँ पर नाम कमाने के बाद अब इंडिया में रिलीज़ हो रही है. सो आई हैव रियली एंजॉयड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच है फिल्म मेकिंग की रुचिका ओबेरॉय की. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट के मैं एक बहुत ही ट्विस्टेड टाइप कहानी है जहाँ पर रियल लाइफ और रियल लाइफ का मिश्रण हो रहा है. तो कैसे यू नो यूजली होता है कि रियल लाइफ वर्सेज रियल लाइफ, इसमें रियल लाइफ विद रियल लाइफ है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रोमांस है जो पहली बार देखने को मिलेगा. सो एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड आई होप दैट द पीपल लाइक दिस फिल्म. छोटी फिल्म है लेकिन सोच बहुत बड़ी. इट बी अनफेयर टू से मैं किसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई थिंक आई कैन आंसर द क्वेश्चन आफ्टर आई हैव सीन द फिल्म कि मुझे किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. बट ऑल इन ऑल मैं फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी द फिल्म. और ये भी देखना चाहती हूँ कि फिल्म में किस तरह सब ने परफॉर्म किया, बिकॉज आई बिलीव एवरीबडी इज प्लेइंग वेरी डिफरेंट रोल्स फ्रॉम व्हाट दे प्लेड बिफोर.